बोलिए संत भगवान की। हम आप दो शब्द बोले उसके बाद भागवत जी की कथा को मैं आगे बढ़ाऊं, क्योंकि धीरे धीरे सर्दी तो बहुत आई, हवा भी चकाचक चल रही, वो तो पंडाल बढ़िया लगा ना, एक मिनट ना बैठ पाओगे। बोलिए संत भगवान की। दरबार हजारों देखे दरबार हजारों देखे हैं। नाटक चालू करते हो? करो बेटा चालू, उसके बाद दरबार को क्यों रहला। आज की बहुत जिस गुल सन में तेरा नूर न हो, जिस गुल सन में तेरा ऐसा तो कोई गुलजार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं। अरे भाव चेतावनी बजाते हरी बोल, इस दिल में प्रभु का प्यार नहीं, वह दिल ही नहीं पत्थर है। इस दिल में प्रभु का प्यार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं ऐसा तो कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों
हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया है मात तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की क्या हमें आपको चिंता रहती है? कुछ चिंता तभी तक है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं है। चिंता न करो निश्चिंत रहो। और एक बार जो सब कुछ अपना सौंप देता है कि प्रभु आप ही जानो, उनको तो कोई चिंता है ही नहीं। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।
एक बार जो अपना सब कुछ सौंप दे। संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे, हे मुरलीधर। और वास्तविकता में बड़े उच्च कोटि के साधु हुए थे प्रातः स्मरणीय श्री राजेश्वरानंद जी महाराज। जिला जालौन में एक गांव पड़ता है एट, एट के रहने वाले थे। वृंदावन में जाकर अपना स्थान बनाया और बहुत सुंदर राम चर्चा राम कथा सुनाते थे। एक ही बात कहते थे, हे मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर, वास्तव में एक एक शब्द देखे उनका हम आप। गम पहले से भी कम तो न थे, ये गम पहले से भी कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। हे महाराज, दुख पहले भी बहुत थे और जब से आपसे प्रेम किया है रात में आंख खुल जाए तो आपकी याद आती है, दिन में बैठे हो तो आपकी याद आती है। ये हृदय हमेशा आपका दर्शन करना चाहता है। ये दिल कहता है तुम सुंदर हो। ऐसा लगता है बिहारी जी को सामने बैठा कर गाते थे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं कि दिखलाओ, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। हमारी आपकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। कैसी? जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वन माही। उस हिरण के पास, उस मृग के पास कस्तूरी है और जैसे ही कस्तूरी की सुगंध उसे मिली एकदम वो दौड़ने लगता है कि जो सुगंध आ कहां से रही है। लेकिन बावरा वो मृग ये न जान पाया कि ये सुगंध ही तो हमारे ही पास है। और यही स्थिति हमारी है, तेरा ईश्वर तुझ में क्यों भटकत मन माही। वे भगवान हमारे ही आपके अंदर बैठे हैं और उन्हें ढूंढने के लिए कहीं वृंदावन, कहीं अयोध्या, कहीं काशी, कहीं मिड़िया बाबा, कहीं हरिहरानंद महाराज, जाने कहां कहां हम आप भटक रहे हैं। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं और तुम हो के उसी मन में बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है। और वास्तविकता में अच्छा बताओ, भगवान की छोड़ो एक मिनट के लिए, अपने सगे रिश्तेदार के यहां भी क्या संबंध एक तरफ से चलेगा? हम ही आप हर शादी ब्याह में जाते रहो और बे कभू घर पे घूमन ना आए तो एक दिन तो संदीप भैया कह ही देंगे कि अब गए सो गए, अब नहीं जाएंगे। इसी तरह भगवान से हमारा आपका संबंध है, उनकी कृपा मिलती रहे तो हम आप उनके धाम जाते रहते हैं। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस हृदय से बेखुदी का हाल, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है।
न तन से प्राण जाते हैं, न प्राण आधार मिलता है। और ये कथा भी इसी संवाद पर आधारित है। विश्व पत्यादि हेतु भी आपने उत्पन्न किया, आपने हमारा पालन किया, और आप ही हमें मृत्यु देने वाले हैं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालमा का उत्पान सुखा केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल और आकाश अनल पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता। उसका सोचा यहाँ पे होता, आवश्यकता नहीं है। कभी किसी से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। कोई कितना भी कहे कि हम उनका ये बिगाड़ देंगे, कोई कितना भी कहे कि अब की बार वो ऐसा करके दिखाएं, काहे हम डरें? क्योंकि भगवान जब हमारे संग है, जागो राख है साईया, मार सके ना कोई, बाल नबा को कर सके जो जग बैरी हो। जब एक ही बात हो, जा पर कृपा हे कभी किसी से मैं फिर इस वचन को दोहराऊं, डरने की जरूरत नहीं है और किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। देखो प्रेम में झुक जाओ अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर ये कहे कि हम डरा कर धमका कर रखेंगे तो फिर कोई किसी को खिलाता नहीं है, खिलाने वाला परमात्मा है।
प्रभु से प्रेम तो हो। अच्छा, राम जी ने मर्यादा इतनी रखी, लेकिन जहां पर प्रेम में राम जी को झुकाया गया वही राम जी झुके, और जहां युद्ध का नंबर आया सोई धनुष बाण उठा लिया। अच्छा बताओ, गुरुदेव विश्वामित्र जी के संग यज्ञ रक्षा के लिए चले और तारका मुंह फैलाकर दौड़ी, राम जी ने हाथ तो नहीं जोड़े कि मैं मान जाओ, सुबाहु सुतसेन आए हाथ तो नहीं जोड़े, क्यों मारीच आया हाथ तो नहीं जोड़े, क्योंकि वेद कहता है, शंकराचार्य जी कहते सठे साठ्यम समाचरेत, जो सठ हो उससे सठता में ही बात करो तो वही वो मानेगा, और जो सरल स्वभाव वाला हो उसके सामने झुकना भी पड़े, भैया आप जो कहो सो हम करेंगे। जा पर कृपा राम की हो, हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप वेद व्यास जी लिख रहे, तीनों प्रकार के तापों का आप ही विनाश करने वाले हैं। कौन कौन से ताप? दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापार। तीनों प्रकार के ताप केवल आप ही विनाश कर सकते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, वेद व्यास जी ने अहम नमः नहीं लिखा कि जो सत्य चेतन आनंद का स्वरूप है, जन्म देने वाले, पालन करने वाले, मृत्यु देने वाले हैं, जो तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं, ऐसे कृष्णचंद्र जी महाराज को मैं प्रणाम कर रहा हूं, ऐसा नहीं लिखा, अहम नमः। नारद जी की प्रेरणा से भागवत जी लिखी गई। वेद व्यास जी एक बार उदास बैठे थे, 17 पुराण लिख चुके थे, तब नारद जी ने जाकर उपदेश दिया अपने पूर्व चरित्र को सुनाकर, तब श्री वेद व्यास जी ने भागवत जी की कथा को लिखा। 18,000 श्लोक हमारे सनातन धर्म को दिए, तो नारद जी की प्रेरणा से लिखा, ऐसा भी नहीं कहा कि आवाम नमः, आवाम कहते हम दोनों प्रणाम कर रहे, नहीं नहीं, वयम नमः, अहम कहते हैं मैं को, आवाम कहते हम दोनों को, और वयम कहते हम सब, हम सब प्रणाम कर रहे, जबकि वहां है दो ही, श्री वेद व्यास जी और श्री नारद जी, लेकिन हम सब। अच्छा, हम सब में भी केवल मनुष्य ही नहीं लिखे, क्या भगवान को केवल मनुष्य ही प्रणाम करते? नहीं, कौन कौन? जलचर थलचर नभचर नाना, जितने भी जलचर जीव, जल में रहने वाले, पानी में रहने वाले, मेंढक मछली आदि, थलचर भूमि पर रहने वाले, चाहे गाय बछड़े हो, भैंस हो, घोड़ा हाथी हो, या हमारे तुम्हारे जैसे मनुष्य हो, एतम अपेत तृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। तब सुखदेव जी के प्रकट होने की कथा सुनाई,
और वेद प्यार जी पुत्र के पीछे मोह बस दौड़े। हे सुखदेव तुम कहां जा रहे हो? जब वैराग्य हुआ श्री वेद व्यास जी को, लौट कर आए और सुखदेव जी तो हमेशा विचरण करने वाले, प्रभु का नाम उच्चारण करने वाले। बोलिए सुखदेव भगवान की है। कथा तो ऐसे समझो, ये वही सुखदेव जी जो भोलेनाथ की बाड़ी के द्वारा अमर कथा श्रवण करके आए हैं। मालूम कैसे? एक दिन भोलेनाथ गए भक्तों को दर्शन देने, अंतर कथा में आया, उसी समय मैया पार्वती के पास आ गए श्री नारद जी। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण मिल गए। और वास्तविकता में संत मिलन सम सुख जगनाहि, संत का दर्शन हो ऐसा सुख कहां मिले। आओ महाराज, आओ महर्षि। नारद जी ने सुंदर आसन लिया। नारद जी मुस्कुराकर बोले, भोलेनाथ दिखाई नहीं पड़ रहे। देखो जानते सब है, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले नारद जी, आज भोलेनाथ नहीं दिखाई पड़ रहे, वो भक्तों को दर्शन देने। अच्छा मैया, भैया आपसे बड़ा स्नेह करते हैं। बोले हाँ। और वास्तविकता में मैया पार्वती बोली, पति का परम स्नेह जिस पत्नी को प्राप्त हो उसके लिए तो ये जीवन ही स्वर्ग है। मैं तो अपने को बड़ा स्वर्ग में रहने वाला मानती हूँ। अच्छा कितना स्नेह करते। अंतर कथा में आया, मैया बोली, नारद जी आपको मालूम है गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, इष्ट मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे भोलेनाथ इतना हमसे परम स्नेह करते हैं कि इष्ट मंत्र भी गुरु मंत्र भी हमें बता दिया।